हाय गाइस, आपका स्वागत है बिंदास आइडियाज चैनल में। और मैं आ गई हूँ आज एक और नए रेसिपी, एक और नए आइडिया के साथ जो बनाना बहुत ही इजी है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डेलगोना कॉफ़ी की रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखने में कितना ही अच्छा दिखता है और पीने में भी ये बहुत टेस्टी लगती है गाइस, और बनाना भी इसे बहुत ईजी है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये आपको जरूर पसंद आएगी गाइस। और ये बहुत ही, आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लफी और ये टेस्टी बना हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसी रेसिपी है ये, एकदम मार्केट जैसी बनती है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। डेलगोना कॉफ़ी, हॉट डेलगोना कॉफ़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम डेलगोना कॉफ़ी, जो बनाना बहुत ही इजी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें मैं 2 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ। अब इसमें 2 टेबल स्पून, उसी स्पून से मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा मीठी कॉफ़ी पसंद करते हैं तो इसमें और भी शुगर ऐड कर सकते हैं आप। और उसी स्पून से मैं इसमें 2 स्पून हॉट वाटर डाल रही हूँ। अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसे हमें फ्लफी करना है। तो हम विस्क की हेल्प से या आप स्पून की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। ऐसे ही हम इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। 10 मिनट तक इसे हम मिक्स करना है और देखिए गाइस इसका कलर चेंज होने लगा है। अभी मैंने इसे सिर्फ 1 मिनट फेंटा है फ्रेंड्स, और देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है, ये फ्लफी होने लगा है। इसे ऐसे ही हम 10 मिनट तक फेंटते रहेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है। और ऐसे ही इसे हम 5 मिनट और फेटेंगे ताकि ये फ्लफी हो जाए। 8 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और देखिए कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर होते जा रहा है इसका। बिल्कुल ऐसे ही 2 मिनट और हम इसे फेट लेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा फ्लफी हो जाए और भी ज़्यादा ये टेस्टी हो जाए। क्योंकि और इसका कलर भी देखिए बिल्कुल भी फेंट हो चुका है। तो हम इसे अच्छे से फेट मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें ये एकदम क्रीमी चाहिए, क्रीमी कॉफ़ी, डेलगोना कॉफ़ी। तो इसे 1 मिनट और हम फेटेंगे। 1 मिनट और हो चुका है और देखिए कितना अच्छा क्रीमी हो चुका है, एकदम फ्लफी हो गया है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और अपनी कॉफ़ी बनानी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, हमने सिर्फ 2 स्पून इसमें कॉफ़ी डाला था और ये बिल्कुल हाफ बाउल हो चुका है अच्छे से फ्लफी। तो अब हम इसके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे। तो हमने ग्लास ले ली है। अब इसमें मैं हॉट मिल्क डाल रही हूँ और हमें पूरा फिल नहीं करना है इसे, हमें 1/3 रखना है, इतना हमें इसे खाली रखना है क्योंकि हम इसके ऊपर कॉफ़ी डालेंगे। अब हम इसके ऊपर कॉफ़ी डालेंगे। ऐसे ही हम सारी कॉफ़ी को इसके ऊपर डालते जाएंगे। कॉफ़ी डाल दी हमने, हम इसके ऊपर थोड़ा सा हम इसे अच्छे से इक्वल कर देंगे। और अब हम इसे गार्निश कर देते हैं। ये बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी डेलगोना कॉफ़ी बिल्कुल रेडी है और सर्विंग के लिए, और ये बहुत ही इजी है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, 10 मिनट हमें टाइम लगता है इसे फेंटने में, बट इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। बाय बाय।